केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने किया कौशल रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना। कहा युवाओं को हुनरमंद बनाएगा कौशल रथ। दिशा की बैठक में लिया हिस्सा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कुशल भारत विकसित भारत के संकल्प के साथ जिले में कौशल रथ को हरी झंडी दिखाई। जिला समाहरणालय से निकलने वाला कौशल रथ जिले के युवाओं को मूल रूप से डिजिटल शिक्षा के साथ साथ हुनरमंद बनाने की दिशा में प्रशिक्षित करेगा। इस कौशल रथ में 25 लैपटॉप लगाए गए हैं। यह कौशल रथ जिले के ग्रामीण इलाकों में गांव-गांव भ्रमण करेगा और युवाओं को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के साथ साथ गांव और पंचायत में ही उन्हें हुनरमंद बनाने की दिशा में काम करेगा। रथ में युवाओं को प्रशिक्षण की सभी सुविधाएं बहाल की गई है। आपको बता दें कि पूरे देश में यह 12वां कौशल रथ है जिसका लाभ सरायकेला खरसावा के युवाओं को मिलेगा। इस मौके पर मंत्री संजय सेठ ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में युवाओं की अहम भूमिका होगी और इस दिशा में जब देश का हर युवा हुनरमंद होगा तो देश खुद आगे बढ़ेगा। इसके बाद श्री सेठ दिशा की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे। इस दौरान चाईवासा लोकसभा की सांसद जोबा मांझी, खरसावा विधायक दशरथ गागराई, जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा, उपायुक्त रविशंकर शुक्ला, भाजपा जिला अध्यक्ष उदय सिंह देव समेत जिले के पदाधिकारी मौजूद थे। मंत्रालय के द्वारा 17 सितंबर जब देश विश्वकर्मा जयंती मना रहा और विश्वकर्मा योजना के 1 साल पूरे, हमारे केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी जी को हमने आज से 10-15 दिन पहले आग्रह किया था कि मेरे रांची लोकसभा के अंदर कौशल विकास का एक बड़ा केंद्र जो विकास भारती अशोक भगत जी के माध्यम से चलता है और अन्य जगहों पर कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा अन्य काम हो, ताकि हमारे जो बच्चे बहुत कहते हैं ना हुनर और कौशल विकास के तहत उनको रोजगार और स्वावलंबी बनाया जाए, उसी उद्देश्य से कौशल रथ की रवानगी आज हुई है। और कौशल रथ के माध्यम से पंचायतों में जाकर पूरी कौशल मंत्रालय के अंदर जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं को गांव टोला तक साझा करना, उसका रथ आज रवाना हुआ है। एक स्वच्छता पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती, तो स्वच्छता को लेकर देश गंभीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प स्वच्छता को लेकर आज जन जागरण के लिए ये भी एक रथ आज रवाना। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए प्रमोद सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।